अंध भक्तों और बीजेपी के प्रिय प्रिय भक्तों, तैयार हो जाए, जितनी मर्जी अपने ढोल नगाड़े बजाने, थाली पीट ले, इस देश को बचाने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। इंकलाब हुआ था लखनऊ से 15 अगस्त से भाई और बहनों, और उस दौर में भाई मेरे साथ थे। मैं अभिवादन करता हूं विनय भाई का, आप सभी का, और इस देश को संगठित करने के लिए देश का हर युवा, हर बुजुर्ग, हर बच्चा आज समर्पित है, और ये संगठन पूरे देश में विस्तार पूर्वक चलेगा। आने वाले समय पे आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पता चलेगी, और हमें आपके प्रोत्साहन, आपके मोटिवेशन, आपका आशीर्वाद और आपके सानिध्य का जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। हरीश भाई नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विनय दुबे जी के बुलावे पे हम सभी लोग अब देश के इस कोने कोने से अपने अपने संघर्षों और अपने अपने विचारों के साथ यहां दिल्ली आए। दिल्ली आने का एक मतलब था, दिल्ली में जहां तानाशाह सरकारों का आसियाना है सेवन रेस कोर्स, जहां लोग दलाली और जो है गरीबों को खून को चूसने का एक बड़ा सपना लेकर के शासन और सत्ता के अंदर नरेंद्र मोदी जी सोए हुए हैं, आज उनके कानों में एक जोरदार आवाज देने के लिए विनय दुबे के साथ हम सभी नौजवान साथी देश के आवाम और देश के आवाज के साथ आज दिल्ली के अंदर हैं, और एक सीधी बात अपने जंग ऐलान करने के लिए, एक सीधी बात एक शेर के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं कि तेवरे इतिहास को एक बार फिर से दोहराना होगा, इन जालिमों से एक बार फिर से टकराना होगा। अगर मानते हो शहीदों को तो खुलकर मेरे साथ चलो, वरना उन शहीदों को एक बार फिर से शर्माना होगा, वरना उन शहीदों को एक बार फिर से शर्माना। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। देश की अखंडता एकता को बचाने के लिए, अनेकता एकता को बचाने के लिए एक बार फिर समस्त देशवासियों को एक होना होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ, ऐसी सरकार जो देश के अंदर लोगों को बांटने का प्रयास करती है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, अगर इनको मिटाना है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक होना होगा, और जब तक हम और आप साथ नहीं होंगे तब तक ये लोग हम पे जुल्म करते रहेंगे। तो जुल्म को मिटाना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक साथ लाना है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं काजल निशा। जैसे कि मैंने हर वीडियो में आपको कहा है कि एक लाठी हमेशा टूट जाती है, लेकिन लाठी लाठी जुड़ जाए, एक भाला बन जाए, आज हम सब भाई बहन मिलकर एक भाला बन गए हैं। ये तानाशाह वाली सरकार अब नहीं चलेगी, ये जुल्म और अत्याचार जो महिलाओं पर हो रहा है ये अब नहीं चलेगा। हम सब एकजुट हुए हैं विनय भाई के बुलावे पर, और ये मीटिंग जो है ना, ये बिल्कुल अगर आप सोच लीजिए कि ये सिर्फ अभी जो है पूरी पिक्चर अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर है। बहन काजल की है ये आह्वान, फिर से भारतवर्ष को करेंगे महान, फिर से भारतवर्ष को करेंगे महान। गर्दन से ऊपर छाती नहीं होती, और इंसानियत से बढ़कर जाति और धर्म नहीं होती। इन नफरत के दरिंदों को, मुसोलिनी और हिटलर के मानने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। आइए अमन भाईचारा बरकरार रखें और विश्व कल्याण की बात करें। मानवता और इंसानियत के शर्मसार करने वाले दरिंदों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, और भारत को विश्व गुरु बनाना होगा। हम सब इकट्ठा हैं इन जालिम दरिंदों को जवाब देने के लिए, ईंट से ईंट बजाने के लिए, इनकी चूल हिलाने के लिए। जय हिंद, जय इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप तमाम जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, ये छोटी सी शुरुआत है, जैसा काजल बहन ने कहा ये तो सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। देश भर के जितने भी, अगर आप कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर ले लद्दाख तक अगर आप हैं और आपके अंदर वो जज्बा है कि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये खुला मंच है। हम सभी एक मंच पे आ गए हैं, आपका इंतजार है। अगर आपके अंदर वो काबिलियत है, आप अगर डंडे खा सकते हैं, आप अगर जेल जा सकते हैं, आप अगर देश के लिए एक रत्ती भर अगर कुछ करने की इच्छा रखते हैं, तो आपको ये कसम खानी पड़ेगी, भारत माता को बर्बाद करने वालों को उनकी औकात दिखानी पड़ेगी। और ये जो प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है, ये एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे केवल देश हित की बात की जाएगी, और जहां पे भी गलत दिखेगा वहां एक एक व्यक्ति की लात लगेगी। और ये हम सब एक साथ आए हैं, आप लोग अगर आना चाहें तो आपका स्वागत है। वैसे हम जो करना चाहते हैं वो हम कर गुजरेंगे। कल को हमारा जिस तरह से देश के अंदर एक इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें ये लिखा जाएगा कि आग लगी थी, हम छोटे छोटे चिड़िया थे जो अपनी चोंचों में पानी की एक बूंद लेके हम आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। आप जैसे ये लाखों लोगों जैसे हम घर पे बैठ के दर्शक नहीं बन सकते। कल मेरे बच्चों का भविष्य, हम सबके बच्चों का भविष्य है, उसे अंधकार में नहीं कर सकते। एक छोटा सा प्रयास है, हम तो आ गए हैं एक साथ, और उन बिचारे अंधभक्तों का पता नहीं अब क्या होगा। एक विनय दुबे संभल नहीं पाता, यहाँ तो 7-8, 8-8 विनय दुबे तैयार है। तेल लगा के रखो, हम आ रहे हैं।
बगावत का दौर शुरू हो चुका। दावत बगावत में आप लोग शरीक हो, और जो लोग हिंदू और मुसलमान के युद्ध लड़ते हैं और कौमी एकता अखंडता को तोड़ते हैं, उनको एक छोटी सी बात, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अपने आईटी सेल को खुला छोड़ो, खोल दो अपने आईटी के सारे शेरों को, उनको पिंजरों में बंद करने का काम हमारा है। हमारे भाई इनकम जिंदाबाद, इनकम जिंदाबाद। हम सब तैयार हैं और आप सबका सहयोग भी हमें चाहिए। आप सब आइए, जुटिए, जहां जहां से, जो राज्य से आना चाहता है, जिस जगह से आना चाहता है, सभी का स्वागत है। क्योंकि देश का जज्बा दिल में रखो यारो, सिर्फ नारे लगाने से देश आजाद नहीं होता, यहाँ सड़क पे भी उतरना पड़ता है और संसद तक हिलाना पड़ता है अपना आवाज। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाते जाते बस आखिरी शब्द ये कहना चाहूंगा उन तमाम मंड भक्तों को और उनके जितने चेले चपाटे आईटी सेल वालों हो, बढ़ो, पूरी ताकत लगा लो, जितना तुम्हारा आईटी सेल है आ जाओ सामने, खुली चुनौती है, आपका स्वागत है, हम भी तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।